हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के एक बेहतरीन टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लेट e1, e2, en बी अ पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। ये जो आपके फिगर में सैंपल स्पेस दिया गया है, इन सभी के पार्टीशन किए गए हैं e1, e2, e3, e4, en तक ऑफ सिंपल स्पेस का। एंड सपोज दैट ईच ऑफ द इवेंट, ये e1, e2, en हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी अकरेंस। जितने भी इस सिंपल स्पेस के इवेंट हैं, ये सभी इवेंट जो है नॉन जीरो इनकी प्रोबेबिलिटी है। लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ एस। मान लीजिए कि इस सिंपल स्पेस में एक ए ऐसा इवेंट है जो कि इससे एसोसिएटेड है, तो वहां पर हम जो है टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम से पी ए इज इक्वल टू पी ई वन इंटू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू प्लस डॉट डॉट प्लस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई एन। इसको हम जो है शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई जे। प्रूफ, गिवन दैट e1, e2, en इज द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। मान लीजिए कि सैंपल स्पेस का ये जो हमारा पार्टीशन दिया गया है, तो इसका मतलब कि e1, e2, e3 और बाकी सबका जो है यूनियन लेने पर सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू e1 यूनियन e2 यूनियन डॉट 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 यूनियन en। अब एक चीज और देखना है कि दोनों e1, e2 हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ei इंटरसेक्शन ez इक्वल टू फाइव, ये हमारा क्या है फाइव होगा, जहां पर i नॉट इक्वल टू j। i और j की वैल्यू क्रमशः यहाँ पर 1, 2, n तक होगी। नाउ वी नो दैट फॉर एनी इवेंट ए, किसी इवेंट ए के लिए ए और सैंपल स्पेस का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ए ही आएगा। तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस। अब एस की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन e1 यूनियन e2 यूनियन डॉट 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 यूनियन en। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो एक ब्रैकेट में हमारा ए इंटरसेक्शन e1 यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन e2 यूनियन डॉट 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 यूनियन ए इंटरसेक्शन en। ऑल्सो ए इंटरसेक्शन ei एंड ए इंटरसेक्शन ez आर रिस्पेक्टिवली द सबसेट ऑफ ei एंड ez। तो ये हमारे पास जो है ए इंटरसेक्शन ei का जो इंटरसेक्शन यानी कॉमन पोर्शन है, वह जो है हमारा किसका सबसेट है, ei और ej। तो ei ej का हमारा सबसेट है। वी नो दैट ei एंड ej आर डिसज्वाइंट, ये हमारे दोनों कैसे सेट है, डिसज्वाइंट सेट, इनमें कोई भी पोर्शन आपस में कॉमन नहीं है। फॉर i नॉट इक्वल टू j, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ei एंड ए इंटरसेक्शन ej आर आल्सो डिसज्वाइंट फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, वेयर i कॉमा j इज इक्वल टू 1, 2, डॉट 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 n। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि दस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन e1 यूनियन ए इंटरसेक्शन e2 यूनियन डॉट 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 यूनियन ए इंटरसेक्शन en ब्रैकेट हो। अब यहां पर हम बात करते हैं यूनियन की, तो ये हमारे डिसज्वाइंट सेट है, तो डिसज्वाइंट सेट हमारे पास जो है उनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है उनको हम प्लस करके लिखा जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन e1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन e2 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन en। नाउ बाय मल्टीप्लाइंग रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ei इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ei इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ei एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ei नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी i इज इक्वल टू 1, 2, डॉट 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 n। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू pe1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन e1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन e2 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ en डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन en। इसको शॉर्ट में हम आसानी से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू सिग्मा j इज इक्वल टू 1n प्रोबेबिलिटी ऑफ ej इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन ej। तो आसानी से इस फॉर्मूले का हम यूज जो है टोटल थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में करते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या होता है इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। बिल्कुल सैंपल स्पेस वैसे ही रहता है पिछले टोटल प्रोबेबिलिटी की तरह। इफ e1, e2, en आर n नॉन एम्प्टी इवेंट्स व्हिच कंस्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, दैट इज
e1 e2 dot 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 en are pairwise disjoint and e1 union e2 union dot 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 union en is equal to s. Yes, kya hai? Simple space hai. And a is any event of the non-zero probability, then probability of ei given a is equal to probability of ei dot probability of a given ei divided by total probability, yani ki j is equal to 1 to when probability of ej into probability of a given ej for any I is equal to 1 comma 2 comma 3 comma dot 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 n. Iske proof dekhne ke liye hum baat karte hain ki by the formula of the conditional probability we know that. Hum conditional probability ke formula ko jante hain. Kya hota hai? Probability of ei given a is equal to probability of a intersection ei by mein probability of a. तो अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई को हम जो है मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से लिख सकते हैं, पी ई आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर गिवन ई आई बाई में पी ए. तो यहाँ पर पी ई आई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई और यहाँ पर सिग्मा टोटल प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू 1 सिग्मा एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई जे बाय द रिजल्ट ऑफ द थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी. तो इस हम प्रोबेबिलिटी के इस आइडेंटिटी का हम ये जो है वेरियस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम करते हैं. तो चलिए हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में जो कि इस बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एग्जांपल्स हैं, उनको थोड़ा सा हम देखते हैं. तो बात करते हैं क्वेश्चन, एक सेकेंड क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉक्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉक्स. तो हमारे पास बैग की संख्या कितनी है? 2 बैग है, ठीक है, और एक बैग में 4 लाल रंग की और 4 काले रंग की गेंदें हैं, दूसरे बैग में 2 लाल रंग की और 6 काले रंग की गेंदें. वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, दोनों में से किसी एक बैग को सिलेक्ट किया जा रहा है रैंडमली. अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग व्हिच इज फाउंड टू बी अ रेड, हम एक बॉल जो है वहां से निकाल रहे हैं जो कि क्या मिलता है, वो रेड है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो लाल बॉल की प्रोबेबिलिटी जो कि पहले बैग से निकाली गई है उसको हमें निकालना है. तो पहले तो हम देखते हैं कि दोनों बैग को सिलेक्ट करने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो 2 बैग है तो प्रत्येक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी. लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, मान लीजिए कि ए जो है एक लाल गेंद का इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई आई इज इक्वल टू, यानी कि हमारे पास जो है वह जो है रेड बॉल हो और ईवन की हो, तो ईवन की हो तो हमारे पास लाल रंग की संख्या 4 है और टोटल संख्या 8 है, यानी कि 4/8 इज इक्वल टू 1/2. अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई टू, लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी दूसरे बैग से निकाली जाए, तो वहां पर दूसरे बैग में 2 लाल रंग की गेंदें हैं और टोटल 8 है, 2/8 दैट इज इक्वल टू 1/4. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग गिवन दैट द रेड इज गिवन बाय पी ई टू गिवन ए बाय यूजिंग द बेस थ्योरम, यहां पर हम बेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू, तो 1/2 इंटू 1/2 बाई में 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/4 अपॉन 1/ में 4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/4 अपॉन 3/8 इज इक्वल टू 2/ में 3. तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी ईवन ई टू बैग सिलेक्शन है और ए अपॉन ईवन यानी कि पहले बैग में से लाल रंग के गेंद को चुनने का सिलेक्शन है और ए अपॉन ई टू यानी ए गिवन ई टू का मतलब है कि दूसरे बैग में से लाल रंग की गेंद को सिलेक्ट करने का प्रोसेस है. इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं कि इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट द स्टूडेंट आइदर नो द आंसर एंड गेस द आंसर, तो एक मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में स्टूडेंट को दो प्रकार के आंसर मालूम है, या तो जो है उसका आंसर पता है या वो गेस करेगा मल्टीपल चॉइस में. तो लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट नो द आंसर, अगर वो आंसर जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4. और अगर जो है 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस, अगर वो गेस करता है तो उसमें सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी. एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेस एट आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर गिवन द आंसर इज करेक्ट. ये भी क्वेश्चन बेस थ्योरम का है, तो सबसे पहली बात तो यहां पर जो दिया गया है कि वो आंसर जानता है तो जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4. आंसर नहीं जानता है यानी गेस कर रहा है, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4. अब एक चीज, हम एक इवेंट ए लेते हैं, वो इवेंट है करेक्ट होने, तो आंसर जानता है तो उसका आंसर करेक्ट होगा, ये श्योर है, श्योर इवेंट है, यानी मुझे आंसर मालूम है और मैं अगर मल्टीपल चॉइस में से आंसर को सिलेक्ट कर रहा हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई1 इज इक्वल टू 1.
और फिर इसी क्वेश्चन के अनुसार बोला गया कि अगर वो गेस कर रहा है, गेस कर रहा है तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4, चार में से एक बार वो सही होगा, तो a अपॉन गिवन e। अब हम यहां पर बेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन e1 बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन e2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन e2 वेयर 3/4 इंटू 1 बाय में 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3/4 बाय में 3/4 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 3/4 बाय में 13 बाय में 16 इज इक्वल टू 12 बाय में 13। तो आसानी से 12/13 जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें जो है कि आंसर जो जानता है और उसका आंसर जो है करेक्ट हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट एक और हम एग्जांपल की ओर देखते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास जो है यहाँ पर एक है, फिफ्थ नंबर एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज और व्हेन इट इज अ इनफैक्ट प्रेजेंट हाउ एवर द टेस्ट आल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर रुपीज पॉइंट है ये 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। इफ द हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन द प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट विल इंप्लाई ही हैज टू डिजीज। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज डिजीज। अब आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास जो है हम मान लीजिए कि 1% यानी कि इवन हमारा इवेंट है यानी किसी को डिजीज है, बीमारियां हैं, और E2 हमारे पास इवेंट है उसको बीमारी नहीं है। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो है 0.00 हमारा दिया गया है तो परसेंट 0.1% पॉपुलेशन के पास डिजीज है, तो 0.1% को पॉपुलेशन डिजीज है तो 0.1% को हम चेंज करेंगे तो 0.1 अपॉन जो है 100 करेंगे तो 0.001 आ जाएगा। तो अगर जो है ऐसी पॉपुलेशन जिनको जो है हमारे पास जो है उनको जो है डिजीज बीमारियां नहीं है तो 1 में से डिजीज वाली पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे तो 1 - 0.001 ये क्या आ जाएगा 0.999। ठीक हो गया, इवन इवेंट आपका हो गया 0.001 और E2 इवेंट प्रोबेबिलिटी जो है उसकी क्या हो गई 0.999। अब कहा जा रहा है कि इफ ए बी द इवेंट दैट ब्लड टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब जो है दोनों पॉपुलेशन को जो है टेस्ट किया जा रहा है, जिनको बीमारियां है उनका भी टेस्ट किया जा रहा है, जिनको बीमारियां नहीं है उनका भी टेस्ट किया जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, यानी कि जिनको बीमारी है और उनका रिजल्ट हम चेक कर रहे हैं तो वो आ रहा है 99%। तो 99% का मतलब क्या होगा 0.99। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 जिनको बीमारी नहीं है और उनका चेक किया जा रहा है तो कितना आ रहा है वो 0.5%। 0.5% का मतलब 0.005। तो ये हमारे पास हो गया वाई दैट द पर्सन डिजीज गिवन दैट हिज द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव इज गिवन बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन ए यानी इवन गिवन ए। तो इसमें हम बेस थ्योरम का यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 इज इक्वल टू 0.001 इनटू 0.99 और 0.001 इनटू 0.99 प्लस 0.999 इनटू 0.005 इज इक्वल टू 0.00099 बाय में 0.00099 प्लस 0.004995 दैट इज इक्वल टू 0.00099 बाय में 0.009598 990 अपॉन 5985 सिंप्लीफाई करेंगे 110 अपॉन 665 और सिंप्लीफाई करेंगे गेट रिजल्ट इज 22 अपॉन 133। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने आसानी से बेस थ्योरम का यूज करके ऐसे प्रॉब्लम्स के प्रोबेबिलिटी को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।